आप जानते हो कि मणिपुर अभी 75 दिन हो गया जल रहा है। सिर्फ जल नहीं रहा है, अपना एक अविभाज्य घटक है, अपना एक देश का, हिंदुस्तान का एक राज्य है। कल परसों मिजोरम में भी उसकी प्रतिक्रिया आई है, और जिस ढंग से जल रहा है वहाँ, सिर्फ जल तो नहीं रहा है, महिला 200 लोग की मृत्यु हुई है। उसके बावजूद महिलाओं पर जो अत्याचार हुए ना, वो इस देश को कलंकित करने वाली बात है। और ऐसी स्थिति में सरकार कुछ कदम उठाना चाहिए था, वो नहीं उठा है, उल्टा चुप कर बैठे। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप कुछ करते हो कि मैं, हमें कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर प्रधानमंत्री जी का मुंह खुल गया। उसके बाद में आज सीबीआई की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, जब संसद चालू है संसद के बाहर बात करते हैं, ये तो संसद का अवमान है, जनतंत्र का अवमान है। और उसके बावजूद जिस तरह से हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, विवस्त्र करके उन्हें भले बाजार में घुमाया गया, ये शर्मिंदगी बात है, ये राष्ट्र को कलंकित करने वाली बात है। और इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य में अमन रहे, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, एक दूसरे से प्यार से जोड़ने के लिए हम सारे विपक्षी गट वहाँ जा रहे हैं। सर लगातार जो है, जो बीजेपी और जो बाकी लोग हैं, लोग कह रहे हैं हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, अपोजिशन डिस्कशन नहीं कर रहा, बहुत झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि जिस नियम पर हम चर्चा करना चाहते हैं उस नियम पे क्यों नहीं करते, उसका भी जवाब दे दो ना। लोगों को, बेचारों को क्या मालूम है लोकसभा के नियम क्या है, राज्यसभा के नियम क्या है, वो तो नियम क्यों लिखे उन्होंने, गंभीरता है उस नियमों में भी, तो गंभीरता हटाओ और चर्चा करो। रस्ते पे करते हो, वैसे चाय पे चर्चा करो, ये जो तरीका है ना, वो भी राष्ट्र की महिलाओं का अवमान करने वाला है और जनतंत्र का भी अवमान करने वाला है। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।